नमस्ते वेलकम बैक सो यस्टरडे इवनिंग नोटिफिकेशन वॉज गिवन बाय एनसीएसएम रिगार्डिंग दी ए आई फॉर द ईयर 2024 दैट इज़ बैच 2425 तो कल ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं एक ही चीज़ को लेकर वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बाकी चीज़ तो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे दैट इज़ इन रिलेशन टू द डेट्स सबसे पहले जो ब्रोशर में था वो यही है द लास्ट डेट्स फॉर ऑल दी related aspects the formalities and the fee payment and the amount of fee to be paid and other things so let us not go into all these things so it's my exam ka date jo hai. so you can see it is specifically mentioned here as the 6th july and after that the major point what i am going to focus is this one the eligibility criteria that is 30th june 2024 this is the cutoff date cutoff date ka matlab kya hai. इससे पहले आपका इंटर्नशिप खत्म हो जाना चाहिए मीन्स ओनली लास्ट पॉसिबिलिटी फॉर यू टू अपियर फॉर ए ए पी जी टी ट्वेंटी फोर इज इफ़ यूर इंटर्नशिप डेट इज द लास्ट डे ऑफ इंटर्नशिप इज थर्टियत ऑफ जून उससे पहले तो भी चल जाएगा बट द मैक्सिमम द लास्ट डेट इज थर्टियत ऑफ जून सो बाई चांस आपको थर्टियत जून तक खत्म करना है इंटर्नशिप देन एटलीस्ट बाई फर्स्ट ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक आपका इंटर्नशिप शुरू हो जाना चाहिए

And exam will happen on 6th of July. So is exactly after one week, like on the sixth day after this, the exam will be there. That is AAPGT 2024. So is it fair or not? The question comes: is it fair or not? Usually the postgraduate entrance examinations are conducted once in a year. But usually the point that will be kept in mind is regarding the internship batch that is going to pass out. कोई भी डेट्स निकालने से पहले जो प्रेजेंट बैच अभी जस्ट निकलने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है द प्रायोरिटी शुड बी दैम द बैच विच इज़ जस्ट गोइंग टू फिनिश द इंटर्नशिप दिस इज द पैटर्न सिंस बिगिनिंग पहले बिफोर कोविड तो ये उल्टा ही चलता था इंटर्नशिप बहुत जल्दी खत्म हो जाता था एंड ए ई पी जी टी ऑफकोर्स दैट टाइम इट वॉज नॉट ए ई पी जी टी different examinations, university examinations like the bhu or the jamnagar, different universities, uttarakhand, karnataka, every university used to have some exams after three, four months of internship. time but now, during the internship only, the exams are happening. the reason is covid. so everybody can understand the covid is the main cause why there is some kind of disturbance in the schedule. सो दैट इज अनअवेडबल वो किसी ने किया नहीं कोई स्टूडेंट का कारण नहीं है वो कोविड वो तो क्यों आया वो किसी को आज तक पता नहीं चला मीन्स ओपनली कोई बोल नहीं रहे सो नाउ इन दिस सरकमस्टेंसेस एन सी एस एम केम इन टू एग्जिस्टेंस एंड एन सी एस एम हैज गिवन द्लियर कट शेड्यूल फॉर बी एम एस स्टूडेंट्स फ्रॉम बैच नंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ऑनवर्ड्स देर इज अ क्लियर कट कैलेंडर कैलेंडर ऑफ इवेंट्स फॉर द होल फोर एंड हाफ ईयर्स आई मीन फाइव एंड हाफ ईयर्स इंक्लूडिंग इंटर्नशिप तो ट्वेंटी वन बैच से पूरा इंडिया में एक ही तरह की डेट्स जो है फॉलो होते हैं यूनिवर्सिटीज है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इंक्लूडिंग वेन टू गिव द रिजल्ट एंड वैन द नेक्स्ट बच शूड स्टार्ट नेक्स्ट सेशन शू स्टार्ट एवरी थिंग इज देर लेकिन उससे पहले वाले जो बैचेस हैं ट्वेंटी 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 नाइनटीन ट्वेंटी एटीन एंड इवन द लास्ट ईयर ट्वेंटी सेवेंटीन दे आर नॉट द वंस वू फेस्ड एन सी एस एम एनसी एस एम के अंडर नहीं थे ये सी सी एम के अंडर थे तो सी सी एम जब चलता था देन यूनिवर्सिटीज यूज टू हैव फ्रीडम यूनिवर्सिटीज यूज टू कंडक्ट एग्जामेशन देयर विल समाइम्स मे बी आफ्टर वन ईयर मे बी आफ्टर फिफ्टीन मंथ्स वेनिफिट वन ईयर कोर्स तो उस तरह से चलता था यहाँ कहीं भी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं है

फोर सेशन सो कौन सा यूनिवर्सिटी कब एग्जाम कराया कौन सा यूनिवर्सिटी कब रिजल्ट दिया वेन ईच यूनिवर्सिटी और ईच इंस्टीट्यूट गिव द परमिशन फॉर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द इंटर्नशिप वो अभी एक अथेंटिक डेटा नहीं है वी डोंट हैव एन अथेंटिक डेटा बट बाय ओवरऑल यू कैन सी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी जूनियर्स और फ्रेंड्स एंड सम अदर नोन पीपल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेस दैट इवन फ्यू स्टूडेंट्स आर गोइंट टू बी एलिजिबल ऑन दिस बेसिस मतलब जो फ्रेश बैच है सो दिस इज नॉट फेयर एंड ऑफ बिकॉज स्टूडेंट्स आर नो वेर इन्वॉल्व इन दिस लास्ट ईयर भी हुआ था लास्ट ईयर इनिशियली एनसीएसएम ने जो कट ऑफ डेट दिए थे दैट वॉज द एंड ऑफ अगस्ट देन आफ्टर द रिक्वेस्ट देन टू मोर मंथ्स वॉज एक्सटेंडेड अक्टूबर तक फिर भी कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे फिर भी मेजर इंस्टीट्यूट लाइक एन आई जयपुर वॉज लेफ्ट आउट लास्ट ईयर टू थाउजेंड सेवेंटीन बैच एग्जाम देने के लिए तो दे दिया लास्ट टाइम लास्ट टाइम पीपल गेव एग्जाम्स एंड दे इट्स कोड इवन वेरी गुड रैंक्स टू बाई द टाइम ऑफ काउंसलिंग दे कंप्लीटेड देर इंटर्नशिप एंड दे आर वेटिंग लेकिन अलो नहीं किया क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं किया इवन विद इन टू डिजिट रैंकर्स दे आर नॉट अलाउड सो नाउ द क्वेश्चन इज वैन एन सी एस एम इज़ नॉट द वन वू डिसाइडेड वेन द बैच सेवनटीन एटीन एंड इवन नेक्स्ट ईयर दिस वे प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर तो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है सो मेजर यूनिवर्सिटीज़ द फोर्थ प्रोफेशनल बी ऐसे हैं ऐसे होगा तो उनका इंटर्नशिप कब शुरू होगा वो तो सोचने वाली बात है सो एन आई थिंक माय ओपिनियन शुड हैव टेकन डिसीशन बेस्ड ऑन देर फर्स्ट बैच दैट इज ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी जो है वो उनके फर्स्ट बैच है उससे पहले वाले सारे बैचेज जो है सो दे आर नॉट कमिंग अंडर डायरेक्ट एनसी सो समवेयर देर इज अस मैच बिटवीन दॉट्स थॉट प्रोसेस ऑफ एंड द यूनिवर्सिटी इज़ द स्टूडेंट्स अल्टीमेटली स्टूडेंट्स आर द सफर स्टूडेंट्स ही बीच में फंस गए जिनका गलती है ही नहीं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ करना नहीं चाहते जो फर्जी स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़ दो आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट देम मैं जब भी कोई स्टूडेंट के बारे में बात बोलूँगा तो ओनली जेनुन स्टूडेंट्स ओनली जेनुन स्टूडेंट्स वो आर रियली केपेबल एंड वू आर रियली प्रिपेरिंग और ये बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि अभी पता चला स्टूडेंट्स तो एक साल से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं सात महीने से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कोचिंग क्लास ज्वाइन किए कितना पैसे लगाया अब अगर अगर उनको पता चल गया कि अवेलेजिबल नहीं है तो वो क्या करेंगे सो देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड दैट फ्रस्ट्रेशन इज आउट अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि उनको अलाओ किया जाएगा एंड दे आर होपफुल अब उनको एक तरह से इसको भी फेस करना है एट द सेम टाइम दे हैव टू स्टडी मान लो उनको अलो नहीं किया तो अगले साल तक उनका मेंटेलिटी क्या रहेगा अब तो क्वेश्चन मार्क रहेगा ठीक है ना आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स हु आर रियली प्रिपेयरिंग वेल एंड दो रियली वॉन्ट टू क्रैक सम एग्जामिनेशन लाइक दिस एक फेयर चांस तो देना चाहिए एग्जाम में क्या होगा और दूसरी बात है बट एक फेयर चांस जो है वो नहीं मिलेगा एक साल तो बहुत ज़्यादा होता है ऑलरेडी अ मेडिकल प्रोफेशनल इज स्पेंडिंग इज सिक्स ईयर्स ऑफ इज लाइफ फॉर इज यूजिंग एंड कोविड के बाद तो थोड़ा और बढ़ गया होगा नाउ इफ दे आर अगेन डिलेइंग नॉट बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक अल्टीमेटली वो जो फेयरनेस uh, की बात है वो तो है नहीं ये तो अनफेयर प्रैक्टिस हो गया विथ वन बैच लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स फेस किए और अभी जो है और ज़्यादा स्टूडेंट्स फेस करने वाले हैं एंड वन मोर सेंडेज वॉट दे मैंशनड इज ये चेंज होगा ही नहीं जो भी डेट दिया हुआ है स्पेसिफिकली इसी के लिए लिखा है क्योंकि लास्ट ईयर एक केस भी लगा था अन केस में एन सी एस एम जीत गए तो वहाँ पर थोड़ा बहुत उनका प्रैक्टिकल जो प्रजेंटेशन था सो बेस्ड ऑन दैट दन दर्ट केस इन आई थिंक गुजरात बट यहाँ पर आप देखिए उन्होंने क्लियरली बता दिए कि कोई कोई भी चांस नहीं है इस डेट को चेंज करने का एंड नो एडवाइज़ नॉट टू कैनवस फॉर द सेम फर्दर एडवाइज़ नॉट टू कैनवस मतलब इसके खिलाफ कैनवस मत करो ऐसे भी कहा गया है तो मैं तो कैनवस कर नहीं रहा मैं ये वो तो बोल रहा हूँ एक जो स्टूडेंट्स की बातें हैं वो मैं इस वीडियो के द्वारा बता रहा हूँ अल्टीमेटली उद्देश्य ये है कि आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एक्चुअली एलिजिबल 2018 के जो बैचमेंट्स हैं स्टूडेंट्स हैं इंटरनीस है हाउ मेनी ऑफ देम आर एलिजिबल बिकॉज जो भी बातें हो रही है आवा की बातें सो एग्जैक्टली हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अवेलेबल वू कैन गेट एलिजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम दिस ए पी जी टी ट्वेंटी फोर उसके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म लिंक शेयर किया हूं यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जस्ट फिल द फॉर्म एटलीस्ट विल गेट टू नो विथ ऑथेंटिक डेटा कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल मींस नेम द बैच ऑफकोर्स इट शुड बी द मेजर एटीन बैच एंड देच इंस्टीट्यूट विच यूनिवर्सिटी यूर कमिंग अंडर आपके साथ कितने स्टूडेंट्स और हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं एंड विच स्टेट योअर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड तो so, ये इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास इकट्ठा हो जाता है तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि कितना अनफेयर हुआ है सो जस्ट फॉर दैट पर्पज़ काइंडली शेयर दिस लिंक विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड इवन अदर इंस्टीट्यूट्स एंड इवन अदर स्टेट्स एंड जस्ट आस् दैम टू फिल तो इसका जो रिज़ल्ट है जो फॉर्म्स से मुझे मिलेगा देट विल बी शेयर टू यू और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा दैट बी शेयर टू यू सो लेट अ सी हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर हैविंग गोइन टू हैव दिस अनफेयर सिचुएशन So, thank you for watching. If there is any kind of updates, I'll be sharing in this channel. So, we'll meet in the next time.